तो दोस्तों स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। यहाँ पे यार आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक नया प्रोसेसर लिया था, रीज़न भी जानते हो यार, जो मेन प्रोसेसर था उसमें कुछ दिक्कत आ गई, वारंटी क्लेम के लिए भेजा है तो अभी शायद उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। बाकी ये प्रोसेसर अपना जो आया था यार राइजन का 2200G, खतरनाक प्रोसेसर। अभी तो यार इसके थोड़े नखरे शखरे भर रखे हैं। भाई सब क्या हाल है तुम्हारे? क्योंकि यार प्राइसिंग आप जानते हो यार 5-6 हज़ार का प्रोसेसर है, मार्केट में शॉर्टेज चल रही है तो जिसका रंग यार 9-9 हज़ार में बिक रहे हैं भाई साहब। मेरे को भी लेना पड़ गया, काम था और कुछ उपाय नहीं था। एक चीज़ है यार, अगर आप मेरी प्रेफर करते हो तो आज यार 20 हज़ार या 25 हज़ार तक कंप्यूटर बिल्ड करते हो ना, उस समय यार 2200G हो गया या 3200G। 3200G थोड़ा सा ही महंगा होगा इससे 1 हज़ार रुपये, तो मैं प्रेफर करूँगा वहाँ जाओ, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाली है। तो आज भाई इस प्रोसेसर को हम लोग गेमिंग में भाई साहब की यार वॉट लगाने वाले हैं। यस यार, ये एक तरीके का एपीयू होता है यार, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, वेगा 8 ग्राफिक्स होते हैं इसके अंदर, जैसे इंटेल में होते हैं ना इंटीग्रेटेड, वैसे इसके अंदर वेगास होते हैं, अपने नाम है इनका। तो इस पे यार आज GTA 5 टेस्ट करने वाले हैं। आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया कि ये प्रोसेसर सही रहेगा या 3200 आपके पीसी के लिए सही रहेगा कि नहीं, अगर 20 तक जाते हो तो किस तरीके गेमिंग कराता है। तो आओ यार वीडियो शुरू करते हैं, चेकआउट करते हैं कैसे क्या परफॉर्मेंस मिल रही है भाई साहब की। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों यहां करेंटली यार एक हम लोग एपीयू यूज करने वाले जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, और यहां यार राइजन का 2200G है तो यार वेगास 8 ग्राफिक्स है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये विदाउट ग्राफिक कार्ड चल जाएगा। और वैसे बात करूं तो ये ग्राफिक कार्ड है भी नहीं इस पीसी का, वो प्रोसेसर गया हुआ है वारंटी क्लेम में इसलिए लगा रखा है। तो मैं क्या करता हूं यार ग्राफिक कार्ड निकालता हूं, और इसके साथ यार जो अपना यार ये पोर्ट आता है, और ये वाले पोर्ट को ये देख सकते हो, इसको भी मैंने हटा देना, और ये HDMI पोर्ट से मैं यार मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला हूं। और ग्राफिक कार्ड लगा देंगे तो भाई इनइक्वालिटी वाली बात हो जाएगी, समझ ही रहे हो आप। तो यहां मैं क्या करता हूं ग्राफिक कार्ड को इधर से पहले तो सबसे पहले स्क्रू वाला काम हो जाए थोड़ा सा यार एकदम क्रिस्पी टाइप का, और इस स्क्रू को हटा देते हैं। अच्छा ये देखो, जैसे रैम के अंदर ऐसे ओपन करने वाला होता है ना, ऐसे ही ग्राफिक कार्ड में भी यहाँ पे एक स्लॉट दे रखा हो, उसको बस पुश कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। और ये यार जो पावर केबल्स आ रही है अपना यार पावर सप्लाई से, इन्हें भी रिमूव कर देते हैं, और अब फाइनली यार हम बाहर निकाल सकते हैं अपने ग्राफिक कार्ड को। तो फाइनली भाई अपना ग्राफिक कार्ड यहाँ बाहर आ गया, और ग्राफिक कार्ड मैं बाद में लगा दूंगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और ग्राफिक कार्ड का सिंपल मतलब आप जान ही गए हो यार, एपीयू यूज़ कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे यार, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं और यहाँ रखते हैं, और अब यार पीसी को ऑन करते हैं और GTA 5 चला के देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब कंप्लीटली पूरा सेटअप हो चुका है यार, अपना एपीयू जो लग चुका है जिसमें वेगा 8 ग्राफिक्स है, यहाँ हमने ग्राफिक कार्ड बाहर निकाल दिया जिसके अंदर यार DPI पोर्ट यूज़ हो रहा था, मतलब डिस्प्ले पोर्ट, और HDMI से अब अपना कंप्यूटर कनेक्टेड है, बस अब स्टार्ट करने की देरी है। तो यहाँ पे कर देते हैं भाई इसे स्टार्ट। तो बिल्कुल लोड लेगा भाई, दम है इसमें इतना, बिल्कुल है भाई, APU है तो क्या यार तुम कमजोर समझ रहे हो इसे, बिल्कुल नहीं। चलो यार डिस्प्ले भी आ चुका है अपने पास, लेट्स सी वेट अ लिटिल बिट। अरे फ्लैश भाई आ जाओ आ गया भाई, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे जो मदरबोर्ड और हाँ प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकेंडरी में, वो आपको यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चेक करना चाहो वहाँ से देख सकते हो। अब ये देखो यार विंडोज़ स्टार्ट है, मैं यहाँ क्या करता हूँ पासवर्ड डालते हैं यार, और क्या यहाँ अपना यार विंडोज़ स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अच्छा GTA 5 सिंपल चला देते हैं, ओके। तो यहाँ मैं जाता हूँ, और एपिक गेम्स ही है यार, अब क्या बताएं आपको वैसे दोस्तों यार एपिक गेम्स तो स्टार्ट हो गया, पर आपको ये पता है कि डिस्कॉर्ड पे नाइट्रो इस समय फ्री चल रहा है। यस डिस्कॉर्ड नाइट्रो इस समय फ्री आपको मिल जाएगा एपिक गेम्स में। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ यार लाइब्रेरी में जाता हूँ, GTA 5 यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ मैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ अपनी गेम स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं भाई इसे चला के क्या ये गेम लेवल है। तो ये देख सकते हो यार बिल्कुल भाई 5000 का प्रोसेसर है तो क्या हो गया भाई, APU तो दमदार है ना यार, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले नहीं है, इंटेल वाले वैसे नहीं है, हाँ वेगास वाले अच्छे हैं। देख सकते हो यार गेम बड़ी अच्छी चल रही है, मेरे को कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, अगर आपको हाई ग्राफिक्स पे गेम खेलनी है ना तो बिल्कुल यार ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अभी यार ये वाला जब ग्राफिक कार्ड इसमें कनेक्टेड था ना, तब मैं इसको सारी सेटिंग्स को हाई पे करके खेल रहा था, तो जब मैंने ये APU के ऊपर लाया तो भाई बड़ी ज़्यादा खतरनाक सेटिंग्स बिगड़ गई थी, फिर थोड़ा मैनेज करना पड़ गया। तो देख सकते हो यार ये वीडियो मेमोरी जो होता है ना, यही है सबसे मेन चीज़, वीडियो मेमोरी जो आपको ग्राफिक बेसिकली यार ग्राफिक यूनिट बोला जाए ज़्यादा सही रहेगा। तो जब ग्राफिक कार्ड आप सेपरेट लगाते हो ना, तो यही वीडियो मेमोरी जैसे 2 GB के आसपास है, 2 GB के आसपास है अभी ये, है ना। तो अगर आप 1 GB का लगाओगे 2 GB का, तो ये 4 GB तक पहुंच जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना, जब आप इसके अंदर सेटिंग्स करते हो ना चेंज, ये ग्राफिक्स वाले के अंदर कुछ भी इसके अंदर, वो सब ना थोड़ी सी ना आपके ये लेता है ये वीडियो मेमोरी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे यार। पर जैसे ही भाई मैं ये वाला बढ़ाता हूँ तो देखना यार इस समय वीडियो मेमोरी कैसे इंक्रीमेंट होगी, देख सकते हो यार
देख रहे हो ना। तो ये बेसिकली इस तरीके से यार गेम अच्छी होती है यार, दिखने में भी क्वालिटी अच्छा होता है, पर यही आपकी यार वीडियो मेमोरी उठाता है। तो ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड पड़ेगा अगर यार आप हाई अच्छी काफ़ी यार एकदम 4K या उस तरीके की गेमिंग करना चाहते हो HD। नॉर्मल खेलना चाहते हो यार 1080 या 720 तो मेरे हिसाब से आप इसकी तरफ जा सकते हो। प्रोसेसर चीप भी है भाई, और 25,000 तक का PC अगर बिल्ड कर रहे हो ना तब यार जानदार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को, एकदम यार शाइनिंग चल रहा है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। भाई सब बाइक पे हैं इस समय, क्रेजी लोग, गेम प्ले का शौक है तो भाई बिल्कुल सेकंड चैनल पे आओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, गेम अच्छी चल रही है, इवन रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा जो आपको यार मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई क्योंकि उससे अनएक्सपेक्टेड फ्रेम ड्रॉप हो सकते थे इस कारण, ठीक है। बाकी हाँ यार, इस वीडियो में इतना ही सोचा आपको यार बताया जाए GTA 5 के लिए मिनिमम PC कितना आप खर्च करो, तो अच्छा PC जिस पे आपकी यार गेम चल जाए। GTA 5 चल गई तो काफ़ी हद तक और भी गेम्स चल जाती है, अच्छा नई नई गेम आती है उनकी और रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है। बाकी GTA 5 के लेवल की जितनी गेम्स है वो आप चला सकते हो। बाकी हाँ, इस वीडियो में इतना ही यार, अगर पसंद आई हो तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर अपने उधर करना है, दोस्तों के साथ फैलाओ यार, और क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।